नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र, सत्र से पहले पीएम मोदी ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर संसद में दिया संदेश, कोरोना को लेकर भी सतर्क रहने की अपील की। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सांसदों ने नीट परीक्षा के आयोजन पर किया प्रदर्शन, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर परीक्षा रद्द करने की मांग, मास्क पर भी लिखकर लाए नारे। महाराष्ट्र में मदन शर्मा के साथ मारपीट को लेकर प्रदर्शन तेज, महाराष्ट्र सरकार और शिवसैनिकों के खिलाफ किया प्रदर्शन, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। कोरोना महामारी के बीच संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो गई है, तो सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्र के सदस्य एकजुट होकर देश की सेना को एक संदेश देंगे कि पूरा देश अपने वीर जवानों के साथ एकजुट होकर खड़ा है। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को देखते हुए ये भी बोला कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। देखिए रिपोर्ट। अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम के साथ संसद का मॉनसून सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की चुनौती के बीच ये कुल 18 दिनों का है और बगैर किसी छुट्टी के लगातार 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचकर कहा कि देश के जवान सीमा की रक्षा के लिए तैनात हैं और पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और संसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है पूरा सदन, एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। कोरोना महामारी के बीच शुरू हो रहा मॉनसून सत्र एक चुनौतीपूर्ण सत्र होगा। कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द आए और चाहे दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन विकसित हो। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हों। सदन में प्रश्नकाल ना होने के चलते सत्र के दौरान सियासी तापमान बढ़े रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष चीन के साथ एलएसी पर चल रहे विवाद, अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। एक और मॉनसून सत्र का आयोजन हुआ तो वहीं दूसरी ओर नीट परीक्षा को लेकर संसद के बाहर हंगामा भी देखने को मिला। संसद के बाहर सांसदों ने नीट परीक्षा को रद्द कराने की मांग की। इस प्रोटेस्ट में डीएमके प्रमुख रूप से सक्रिय दिखा। उन्होंने मांग की है सरकार से कि नीट परीक्षाओं को रद्द किया जाए। देखिए रिपोर्ट।
देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस खतरे के बीच कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से इन परीक्षाओं के आयोजन में तमाम जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। बावजूद इसके परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं डीएमके सांसदों ने सोमवार को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में भी नीट परीक्षा के आयोजन का जमकर विरोध किया। A demonstration before the Gandhi statue in the Parliament complex, insisting that the NEET examination should be scrapped because this common test deprives the future dreams of poor and the rural students who score high marks in their school studies, but in the NEET examinations, because they are not able to get any private coaching, they are not able to get through. In Tamil Nadu, 11 students have committed suicide because of the taking the scare of this examination. So the DMK insists that the NEET examination must be scrapped. And so also the new education policy that has been approved by the cabinet, and the government is very keen in implementing. It will also be taking the country, it will retrieve the country. सांसद अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मास्क पर नारे लिखकर लाए। नीट के खिलाफ डीएमके ने मास्क पर बैन नीट सेव तमिलनाडु स्टूडेंट्स लिखा है। साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि देश में जब परिवहन और अन्य सुविधाएं पूरी तरह से बहाल हो जाएं, उसके बाद फिर से परीक्षा आयोजित करानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। महाराष्ट्र कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। एक ओर कंगना रनौत, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व नौसेना अधिकारी के मारपीट के मामले को लेकर। राजधानी दिल्ली में पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के साथ शिव सैनिकों के मारपीट मामले के बाद अब पूर्व नौसेना अधिकारी मैदान में उतर आए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की ओर से पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ मारपीट के विरोध की गूंज महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के समर्थन में अब पूर्व नौसेना के अधिकारियों ने आवाज उठाई है और नौसेना के अधिकारी की ओर से मांग की जा रही है कि जिन शिव सैनिकों ने मदन शर्मा को मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हमारी डिमांड सीधे सीधे ये है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर हमारे एक पूर्व नेवल ऑफिसर मदन शर्मा को उसके घर से खींच के और उसकी सरेआम पिटाई की गई। गुंडों ने उसको मारा और गुंडों के अंदर शिव सैनिक थे और उन शिव सैनिकों में शिवसेना का एक शाखा प्रमुख भी था। और फिर द इंसल्ट टू द इंजरी इज दिस कि वो जिन लोगों ने हमारे पूर्व सैनिक की पिटाई की उनको थाने से ही जमानत दे दी गई। इट वाज ए क्लियर कट केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, ही शुड हैव बीन बुक्ड, व्हाई इट वाज नॉट डन। हमें इस बात की बहुत तकलीफ है, हमारी वजह से हम अपनी जान क्या इस बात के लिए कुर्बान करें देश के लिए कि देश में ऐसी सरकार हो जो आम आदमियों के दिल में और पूर्व सैनिकों के दिल में अपनी गुंडागर्दी का भय बिठाए। नहीं, ये नहीं चलेगा। हमारी डिमांड है कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। डिमांड तो ये है कि जिस तरह से वारदात हुआ है हमारे नेवल ऑफिसर के साथ, जो वेटरन हैं, जो 65 साल के हैं, उन पे जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया उस पर हम आक्रोश जताने के लिए आए हैं और एक आक्रोश को पूरे देश में ये प्रदर्शन, ये संदेश देने आए हैं कि हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, इस पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। ये प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र में सभी को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इस फ्रीडम को पूरी तरह से जो संविधान के तहत दिया गया है दबाने की कोशिश की जा रही है, वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात कि इस कमांडर साहब ने, शर्मा साहब ने क्या गलती किया? कुछ भी नहीं, एक मैसेज फॉरवर्ड किया। तो ये पोजीशन साफ है कि कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित नहीं हैं, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यदि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का है, राज्य का है। इसका मतलब है ये जो स्टेट की सरकार है वो जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। जब कानून का रक्षक ही कानून का भक्षक बन जाता है तो फिर कहाँ जाएगा लोग, ये बताइए। बहरहाल अब पूर्व नौसेना अधिकारियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। कोरोना वायरस की रफ्तार देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले कुछ दिनों से 90,000 से ज्यादा नए मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में भी 92,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 92,071 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस वायरस के कारण 1,136 मरीजों की मौत हुई। देश में कुल मामलों की संख्या 48,46,427 पहुंच गई है। इसमें 37,80,107 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र का अब भी बुरा हाल है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 22,543 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ कोरोना के कुल मामले 10,60,308 पहुंच गए हैं, जबकि ठीक हुए लोगों का आंकड़ा 74,061 है। दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4,235 नए मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना के कुल मामले 4,78,306 हैं। ठीक हुए लोगों की संख्या 1,84,748 है। जिस तरह से कोरोना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। इसलिए जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं, और लोगों से अपील की लापरवाही ना बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, INSTV। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।